Did you get ready in the dark or something? Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know? और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्री, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अजरबैजान के वीज़ा प्रोसेस के बारे में। सो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि ऑन अराइवल वीज़ा की क्या प्रोसेस है और ई वीज़ा का क्या प्रोसेस है अजरबैजान के लिए। तो बने रहे हमारे साथ। GCC में कंट्रीज़ में रह रहे हैं, GCC का मतलब है अगर आप कुवैत, UAE, सऊदी, बहरीन, कतर या ओमान, इन कंट्रीज़ में रहते हैं उन्हें कहते हैं GCC रेजिडेंस। तो इन कंट्रीज़ में अगर आप रह रहे हैं और आपकी कोई भी नेशनैलिटी है, अगर आप कोई भी नेशनैलिटी के है, सो आपको अजरबैजान में मिल सकता है ऑन अराइवल वीज़ा। सो इस वीज़ा को लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसेस है, अब आप बताते हैं आगे। सो ऑन अराइवल वीज़ा को लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट, जिसकी जो वैलिडिटी होनी चाहिए कम से कम 6 मंथ्स होनी चाहिए। उसके बाद सही है सेकंड आपकी रेजिडेंसी, जो आपकी रेजिडेंसी होनी चाहिए वो मिनिमम 3 मंथ्स वैलिड होनी चाहिए। तो अगर 3 मंथ्स से कम है या फिर 3 मंथ्स के आसपास है, तो मेरी तो यही रिकमेंडेशन है कि आप अपनी रेजिडेंसी को रिन्यू कराएं, उसके बाद ही ट्रैवल करें। और उसके बाद आपको चाहिए आपका एयर टिकट्स, टू एंड फ्रो एयर टिकट्स आपको चाहिए, और आपको होटल बुकिंग चाहिए तो कंफर्म होटल बुकिंग चाहिए। वो आप किसी भी वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, लाइक booking.com, अगोरा या फिर Airbnb से बुकिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आपको चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस, तो आप अपने साथ अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस भी लेके चले। और इसके बाद आपको चाहिए अपनी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को भी लेकर। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं और वो पूछते हैं कि हमें कितना पैसा लेके जाना चाहिए अगर हम जा रहे हैं। तो अजरबैजान अगर आप जा रहे हैं तो लगभग पर पर्सन $100 आप अपने साथ कैरी करें। जितने दिन जा रहे हैं उस हिसाब से आप अपने निकाल सकते हैं कि आपको कितना पैसा कैरी करना है, और साथ साथ अपना आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी ले जा सकते हैं। और अगर आप अपनी करेंसी को कन्वर्ट करा के USD में ले जाते हैं तो उसकी रिसिप्ट भी लेके जाए, अगर वो लोग पूछते हैं तो आप उन्हें दिखा सकते हैं। कि ऑन अराइवल का प्रोसेस क्या होता है इमिग्रेशन के लिए, जब आप बाकू के एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो वहां पर वेंडिंग मशीन लगी हुई है जो आपको ऑन अराइवल वीज़ा प्रोसेस करने में मदद करती है। तो वहां पर आपको जितने भी आपको जो मैंने पहले डॉक्यूमेंट्स बताए उसको स्कैन करके वहां पर डालना पड़ेगा, और वहीं पर ही आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा, जिसकी फ़ीस आपको $25 आपको देनी पड़ेगी। उसके लिए आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको USD डॉलर्स आपको कैरी करने पड़ेंगे अपने साथ, उस मशीन में डालने पड़ेंगे। बट ध्यान रहे वो मशीन आपको चेंज वापस नहीं करती, तो आप एग्जैक्टली अमाउंट $25 लेके जाए अपने साथ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। या फिर अगर आप वो ऑटोमेटिक मशीन्स यूज़ नहीं करना चाहते वीज़ा के लिए, तो वहाँ पर काउंटर्स भी है जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, वो आपने आप उनको डॉक्यूमेंट सब आप दिखा दीजिए, और वो सब डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको आपका ऑन अराइवल वीज़ा दे देंगे। जो टैक्सी है वो लोकल वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसीलिए अब जो बाकू जा रहे हैं तो वहाँ पर लाइक उबर टाइप की टैक्सी चलती है जिसको बोला जाता है बोल्ट। तो आप बोल्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वो टैक्सी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर घूमने फिरने के लिए। आप अजरबैजान में 10 दिन से ज़्यादा रुकते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उनकी एक वेबसाइट पर जाके। तो आप ये रजिस्ट्रेशन आप होटल वालों को कह सकते हैं, वो आपके लिए करके दे देंगे। उनको बस बताना पड़ेगा कि 10 दिन से ज़्यादा आप रुकने वाले हैं, तो वो आपके लिए फैसिलिटीज़ आपके लिए करके दे देंगे। बताते हैं कि ई वीज़ा का क्या प्रोसेस है। ई वीज़ा का प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर आपके लिए नीचे वेबसाइट आ रही होगी, उस वेबसाइट पर आपको जाना है और 3 स्टेप्स में अंदर आपको ई वीज़ा मिल जाएगा। पहले स्टेप में आपको फॉर्म में भरना है अपने सारे डिटेल्स, आपके पर्सनल डिटेल्स, और जिसके अंदर आपको जो मैंने पहले डॉक्यूमेंट सारे बताए थे ऑन अराइवल वीज़ा के लिए, सेम वही डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं यहाँ पर भी, उन सबको अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने भी सेम
अमाउंट है $25 आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और जो आपका वीज़ा है लगभग 1 से 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। सो ई वीज़ा भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं वहाँ जाने के लिए। ये भी एक अच्छा मेथड है कि अगर आप चाहते हैं कि ऑन अराइवल वीज़ा ना मिल, आप GCC कंट्रीज़ में नहीं रहते अगर, तो आप लोग ई वीज़ा भी अप्लाई करके अपना अजरबैजान का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ, जिसमें नए नए अपडेट्स आपके लिए लाता रहता हूँ। और हम लोग इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे हम लोग नई नई स्टोरी, नई नई रील्स आपके लिए लेके आते रहते हैं। वहाँ पर आप हमें फॉलो करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि लाइव इवेंट क्या क्या चल रही है, हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, और आने वाली वीडियोज़ हमारी कौन कौन से टॉपिक पर होने वाली है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और रिसेंटली हम लोगों ने अपनी मेम्बरशिप भी शुरू कर रखी है अपने चैनल की। अगर आप चैनल की मेम्बरशिप लेते हैं तो आप हमें 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चन है जो आप पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहते, तो आप अगर हमें मेंबरशिप लेते हैं तो हमारा आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, और जिस पे आप हमसे कनेक्ट होकर अपने पर्सनल क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और अपने हमारे चैनल पे फीचर करना चाहे तो उसमें भी आ सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है उसका आप चाहते हैं कि हम उसे प्रमोट करें तो हमारी मेंबरशिप लेते हैं, तो उसमें वो भी हो सकता है। मेंबरशिप लेने के लिए जस्ट आपको $1 विच इज़ 300 fils आपको पे करने पड़ेंगे हमें। और ये मेंबरशिप आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए अगर आप कोई भी हमारी YouTube वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पर बटन आता है ज्वाइन का, उसे क्लिक करना है, उसके बाद वो पेमेंट पे लेके जाएगा, वहाँ पर पेमेंट करना है और आप हमारे मेंबर्स बन जाएंगे। एक बार आप हमारे मेंबर्स बन जाते हैं, वी विल कनेक्ट यू एंड वी विल गिव यू आवर व्हाट्सअप नंबर, जिससे आप हमें 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अब ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपको कुछ अगली वीडियो पे। सो थैंक यू फॉर द सपोर्ट, आप लोगों ने बहुत अच्छा हम लोगों को सपोर्ट दिया जिससे हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। हम चाहते हैं कि आगे भी आप हम लोगों को इसी तरीके से सपोर्ट करें और हमारी जो चैनल को ग्रो करने के लिए करें। सो मिलते हैं आपको कोई अगली वीडियो में।